हेलो एवरीवन, वेलकम हम भाई, और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम गुवाहाटी। तो रिसेंटली मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था और उसको रिपेयर करवाने के लिए मैं गुवाहाटी आया था। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने ड्रोन कब ले लिया और क्रैश भी कर लिया। तो इन सभी कहानी के बारे में अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा, तो पहले आप वो कहानी देख लीजिए। तो हाँ जी दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पिछले साल के 28 नवंबर 2021 को, जब मैं अपना पहला ड्रोन लेता हूँ, दैट इज DJI Mavic Mini 2। तो ड्रोन लेने के बाद मैं इतना खुश हुआ कि मैंने एक दिन के लिए खाना ही नहीं खाया, क्योंकि मैंने फास्ट फूड खाया था। ड्रोन मेरे लिए एक वन ऑफ द ड्रीम अचीवमेंट था, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। ड्रोन लेने के बाद मैंने काफी वीडियोस भी बनाए, और मैंने काफी प्लान भी किया था कि ऐसा वीडियोस बनाऊंगा, वैसा वीडियोस बनाऊंगा, खतरनाक व्लॉग्स बनाऊंगा, प्रोजेक्ट करूंगा। तो प्रोजेक्ट से याद आया, सो एक दिन दिसंबर के लास्ट वीक को मेरे एक दोस्त का कॉल आता है। हेलो, हाँ भाई, डिमासा टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट है, करेगा? और मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो हम लोगों ने अपना वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया और हम लोग गुजुम में शूट कर रहे थे। जगह का आखिरी शूट खत्म होने वाला था कि तभी मेरा ड्रोन क्रैश हो जाता है। तो मेरा सांस ऑलमोस्ट बंद हो गया था जब क्रैश हुआ। तो क्रैश होने के बाद हम लोगों ने फिर से ड्रोन उड़ाने की कोशिश की। ड्रोन तो टेक ऑफ कर रहा था, बॉडी, प्रोपेलर, कैमरा सब कुछ ठीक था, पर वीडियो स्टेबलाइज नहीं हो रहा था। गिम्बल स्टक, गिम्बल मोटर ओवरलोड दिखा रहा था। तो इसीलिए मैंने उसी वक्त मैंने जहां से ड्रोन परचेज किया वहां कॉल लगाया और उन लोगों ने कहा यहां लेके आओ, हम लोग रिपेयर कर देंगे। तो मैं अगले ही दिन गुवाहाटी के लिए निकल गया और वहां पहुंच के ड्रोन रिपेयर करने के लिए उन लोगों को दे दिया, और उसके बाद मैं उन लोगों का कॉल का इंतज़ार कर रहा था। तो कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मैंने अभी ड्रोन रिपेयर करवाने के लिए कल दे दिया था। तो जो भैया ड्रोन रिपेयर करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि अगर गिम्बल का प्रॉब्लम हुआ तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा और रिपेयरिंग डेज भी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। बट आज कॉल करके उन्होंने बोला है कि आपका गिम्बल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो इसलिए पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा और रिपेयरिंग डेज भी ज़्यादा लगेगा। तो इसी कारण से मेरा 15 जनवरी को मेरा बहुत इम्पोर्टेंट शूट था, वो अभी कैंसिल होने जा रहा है, इसलिए बहुत मूड ख़राब है मेरा। तो इसलिए मैं और मेरा एक दोस्त है, थोड़ा तो मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग एक जगह जा रहे हैं, तो उसी को दिखाने के लिए आज ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो अभी चलते हैं, आप सभी को भी दिखाऊंगा कहाँ जा रहे हैं। हाय, बोले साहब फिल्म नहीं है? और जहाँ हम लोग जा रहे हैं उसका रास्ता भी पता नहीं है, अभी मैप देख के जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम आज पब्लिक में ब्लॉग कर रहा हूँ मैं। ओके, लेट्स गो। ये जो माइल है, तो अभी हम लोगों का डेस्टिनेशन दिखा रहा है 41 मिनट्स। क्या चल के दिखा रहा है कि गाड़ी से दिखा रहा है?
ऑन फुट ओके डेस्टिनेशन वहाँ पर ही है। अभी सरप्राइज तो देना पड़ेगा ना, डायरेक्ट डेस्टिनेशन के बारे में नहीं बोल सकते ना हम। ले आ गया सबसे बड़ा दुश्मन मेरा, सीढ़ियाँ। अभी से सांस फूल गया नहीं है। ऐसे लगातार वॉक करते हुए मास्क लगा के रखना थोड़ा मुश्किल है। बापू शॉप, यह है महात्मा गांधी का शॉप है ये। तो अभी एक्शन कैमरा का चार्जिंग जुगाड़ देखिए, ये है पावर बैंक का केबल और तो यहाँ मैंने पावर बैंक रखा है और ये केबल से कनेक्ट करके अभी मैं एक्शन कैमरा भी चार्ज कर रहा हूँ और व्लॉग भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है ओज़्मो एक्शन का। सो ऐसा कर रहा हूँ मैं अभी। आई गेस सनसेट मिस हो जाएगा, ऑलरेडी अभी गोल्डन आवर टाइम निकल गया है और जिस टाइम को हम लोग देखने के लिए आए थे शायद वो मैं आप सभी को दिखा नहीं पाऊँगा। उस टाइम तो यहाँ घुसने के लिए कुछ था ना जगह। ओहो चला गया रे, चल। दोस्त का स्मार्ट वॉच दिखा रहा है कि 110 कैलोरीज बर्न हो गया है और हमने अभी जस्ट बहुत ही ज़्यादा हैवी लंच करके आए हैं, तो कैलोरीज भी बर्न हो रहा है और मूड भी फ्रेश पता नहीं हो रहा है कि नहीं, बट वहाँ जाके वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि होगा कि नहीं। बट लेट्स फाइंड आउट। ये है मेरा दोस्त, चेहरा नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि थोड़ा अनरोमांटिक थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है। सो कभी दिन रिवील करूँगा, बहुत ही हैंडसम बंदा है एंड सिंगल भी है, और अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो मैं उसका इंस्टाग्राम लिंक और फेसबुक लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इट्स ओके यार, क्या है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन में। That's our national flag and this is called Gandhi Mandap. थोड़ा स्टेज जैसा लग रहा है, स्टेज में कॉन्सर्ट हो रहा है ना अभी। हाय रोमन कुछ सुन लो। देखिए कम लिखवा ओरे दो अच्छा। तो मैं जब भी यहाँ आया हूँ, यहाँ नीचे तरफ कभी नहीं गया, आज मैं भी पहली बार देखने जा रहा हूँ और आप सभी को भी दिखाऊंगा। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है सो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, बट अगर अभी मेरे पास ड्रोन होता ना तो इसका एरियल व्यू बहुत सुंदर होता। लेकिन फिर से ड्रोन का ही याद आ रहा है, लेकिन क्या करें, अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। जब मेरा ड्रोन ठीक हो जाएगा होपफुली, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ विज़िट करने आऊँगा, तब आप सभी को मैं एरियल व्यू दिखाऊँगा गांधी मंडप का। आई होप
आई होप कि सही हो जाए। अभी हम वहाँ अस्पताल में जाएंगे। यह है महात्मा गांधी का स्टैचू और उसके सामने है कुछ मैंशन टाइप बोलेंगे या क्या बोलेंगे पता नहीं, बट अभी शाम होने के बाद लाइट जलाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है गांधी मंडप। तो शाम के वक्त आप सभी यहाँ आके आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं और अपने मूड को भी रिलैक्स कर सकते हैं। सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया आज एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। और अभी घर वापस जाएंगे अभी, क्योंकि सब्जी भी पकाना है घर जाके। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। एंड मिलते हैं दोबारा मेरे अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक यू जुटाई एंड टेक केयर।